नमस्कार, मैं ज्योति समृद्ध झारखंड से अपने चुनावी एक्सप्रेस में मैं पहुंच गई हूं अभी सिल्ली विधानसभा। और सिल्ली विधानसभा बहुत दिलचस्प है क्योंकि यहां पे आसू के सुप्रीमो सुदेश महतो का सीधा मुकाबला है झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन की सीमा महतो से, जो अमित महतो की धर्मपत्नी है। और पहले चुनाव में उन्होंने सुदेश महतो को हराया था और उपचुनाव के बाद सीमा महतो ने सुदेश महतो को हराया था। तो दो बार वो हार चुके हैं 5 सालों के दरमियान। और अब की बार किसकी सरकार, और यहाँ पे नारा है आसू का कि अब की बार गांव की सरकार। तो उन्हीं के इलाके में हमें मौजूद हैं और उन्हीं के इलाके में हम कुछ यहाँ महिलाएं बैठी हुई है फल लेकर, और उनसे हम बात कर रहे हैं कि इनकी समस्याएँ क्या हैं। दीदी, क्या समस्या क्या है आप लोगों का? बराबर ये तो हम लोग खाते हैं तब खाते हैं, कुछ मिलता उलता नहीं है। कुछ नहीं मिलता है, कहाँ मिलेगा? सरकार कुछ नहीं दिया, राशन मिलता है खाली, और वृद्धा पेंशन तो मिलता है। और अभी अभी जो अभी जो विधायक हैं वो कितना आप लोग का सहायता किए किए हैं? क्या क्या दिए? कुछ दिए हैं, गैस दिए हैं, वही दिए। वो तो भाजपा सरकार का देन है। हाँ, तो भाजपा सरकार का है तो हम क्या करें। तो अभी आपके इलाके में जो समस्या है, आपके साथ जो जुड़ी हुई समस्या है, वो क्या क्या समस्या है, आपको क्या क्या चाहिए? बेचते हैं तब खाते हैं। तो कब से बेच रहे हैं आप? अब कितना साल से बेच रहे हैं? तो कुछ बदलाव नहीं हुआ? कहा बदलाव हुआ है? पेंशन ना पाते हैं। फिर से बोलिए, क्या बोले आप? पेंशन पाते हैं, राशन पाते हैं बस। हाँ, और बाल बच्चा? बाल बच्चा है दो ठो, एक ठो लड़की एक ठो लड़का। अच्छा, जब आपकी लड़की है तो थोड़ा बात करेंगे हम। आपका हम मेरा लड़की में ससुराल में है, बहुत पहले शादी हो गई। तो अब बच्चा क्या कर रहा है, लड़का क्या कर रहा है? तीन ठो बच्चा है। अपना बेटा क्या कर रहा है? बेटा हम मेरा कुछ नहीं करता है, आवारा घूर रहा है। तो पढ़ाई उढ़ाई किया? पढ़ाई उढ़ाई किया है, 9 क्लास पढ़ा। और क्या है आपका? नहीं, कुछ काम भी नहीं मिल रहा है। काम तो लगा दीजिए, काम सरकार से आप काम चाहते हैं? तो कुछ नहीं करता है, खाली घूरता है। अच्छा, 9 क्लास पढ़ के छोड़ दिए? तो 9 क्लास पढ़ के बच्चे छोड़ दिए हैं और अभी तक कुछ मिला नहीं है। विधवा पेंशन इनको मिल रहा है और गैस चूल्हा जो भाजपा ने दिया है बस वही मिल रहा है। और यहाँ इस इलाके में इनका कहना है, इनका दावा है कि हम बहुत दिन से कमा रहे हैं, वही कमा के वही खा रहे हैं और अभी तक इनको कुछ मिला नहीं है। हमारे साथ कुछ सिल्ली के ही कुछ वोटर्स हैं जो लोग यहाँ के बारे में बता रहे हैं हमें, यहाँ की समस्याओं के बारे में, यहाँ के मुद्दों के बारे में, जो यहाँ पे विकास गति नहीं पकड़ पाया है। हम उसी चीज़ों के लिए बात करने हम सिल्ली पहुँचे हैं और वही चीज़ बात करने के लिए हम लोगों से जुड़ रहे हैं। भैया, क्या प्रॉब्लम है, कौन सी समस्या है, कौन सा मुद्दा है सिल्ली के लिए जो अब तक उससे निजात नहीं पा सके हैं सिल्ली की जनता? बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ यदि कोई काम भी कर रहा है तो बहुत कम मजदूरी दिया जाता है। जैसे पराटीचल लोग काम कर रहे थे, उसको 5,000-6,000 रुपये तनख्वाह दिया जा रहा है, तो उनका कोई भी सरकार उसमें ध्यान नहीं दिया। बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत में बैठी, उबे कुछ में कुछ ध्यान नहीं दिए, बल्कि उसके ऊपर लाठीचार्ज किए। उनको तो समझना चाहिए कि इतना एजुकेट परिवार जो आज एक सरकारी टीचर को 70,000 मिल रहा है, वही पारा टीचर को 7,000 रुपया के लिए लाठी खाना पड़ रहा है। वह सब दूर करे, यहाँ का जितना शिक्षित बेरोजगार है उसको रोजगार दे और अपना गांव का विकास हो, बिजली लाइन पानी सबका सुविधा हो। यही सब। बिजली पानी नहीं है दिल्ली में? पहले जो काम चल रहा था वो अभी रुक गया है। पहले विकास बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा था। कब? इससे पहले वाला सब विधायक जो जीते थे यहाँ से। कौन थे पहले विधायक? सुदेश महतो। तो सुदेश महतो के समय में काम अच्छा था? उनके पीरियड में बहुत बढ़िया काम था, रोड भी यहाँ चकाचक था, बिजली लाइन सब किसी सुविधा था। अभी सब खत्म हो गया। एक महीना पहले यहाँ एक कमर तक गड्ढा था, ये सब बगल में ही कम से कम 20 एक्सीडेंट हुआ। वो लास्ट में हम लोग सब बिजनेसमैन जाकर पैर पकड़े, सुदेश महतो को बोले कि बनाइए, तब जाकर फिर बनाया, तभी अभी हम लोग बढ़िया से चल रहे हैं। आपके यहाँ हम लोग सफाई के लिए देख रहे हैं, थोड़ा दिखाइए उधर, साफ सफाई के लिए वो हम लोग देख रहे हैं, कचरे का अंबार लगा हुआ है। तो क्या हमारा जो झारखंड है
वो कहीं ना कहीं बताया जाता है कि स्वच्छता के लिए जाना आता है, लेकिन ये चीज़ नहीं दिख रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप सिल्ली के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ से कोई काम ही नहीं हुआ है तो सफाई क्या होगा? वो तो विधायक जितने के बाद आई ही नहीं है, इसलिए आया ही नहीं है। एक दो बार आया वो खाली फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, कोई यहाँ काम नहीं हुआ उनके बाद। और महिलाओं की सुरक्षा पे क्या कहना चाहेंगे, महिलाएं कितनी सुरक्षित है सिल्ली में? महिलाएं तो उतना असुरक्षित नहीं है, वो सब सुरक्षित है। कहीं कि यहाँ का जितना ऐसा बता रहा है कि उतना कॉलेज आगे का एजुकेशन बहुत कम लेती है, बहुत कम पढ़ती है, बहुत कुछ है तो रांची में जाकर करती, तो रांची में सुरक्षा है, इसलिए कोई ऐसा कोई ही नहीं है। आपका जो स्थानीय मुद्दा है, खासकर सिल्ली का जो मुद्दा है, शिक्षा, पानी, बिजली, रोजगार, कितने हद तक आप आगे गए हैं? देखिए, पहले तो आगे थे हम लोग, बहुत विकास हुआ था सिल्ली। पहले हम लोग का यहाँ डिबरी जैसा लाइन था, बिजली लाइन तो था ही नहीं। इस 15 साल का पीरियड में तो बहुत सुधार हो गया था। अभी तो सुधार है, किंतु मैंने और प्रोग्रेस कुछ नहीं हुआ है। जो सुधार उनके पीरियड में था वही है। तो आगे बहुत डगमगा गया था। आगे क्या चाहेंगे आप? आगे किस किस जो विकास करेगा उन्हीं को वोट देना चाहिए। हमारा ये है कि जो विकास कर रहा है, जो इसका पीरियड में विकास हुआ है, हम लोग उसी को सरकार में चुनेंगे। इस तो जो विकास किया है, जो विकास करेगा, जिस पे भरोसा है, यानी कि यहाँ पे सीधा सीधी है कि सुदेश महतो के टाइम में यहाँ विकास हुआ था, उसके बाद जब अमित महतो आए यहाँ विधायक बनकर, उसके बाद उन्होंने इस क्षेत्र की ओर नहीं देखा। और उपचुनाव में भी जब उनकी पत्नी सीमा महतो ने चुनाव जीता, तो उन्होंने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। किसी मुद्दे को लेकर मैं बात कर रही हूँ, तो किसी मुद्दे को लेकर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। शायद इसीलिए यहाँ की जनता का दावा है कि सुदेश महतो दोबारा जब जीतेंगे, हमारे द्वारा जीतेंगे।